जिसे धर्म उचित कहे वही, जिसे वेद माने वही हमको करना चाहिए। मनगढ़ंत स्टोरी नहीं करनी चाहिए। अपने आप से जो करें वही धर्म नहीं होता, जिसे वेद कहे वही धर्म है, जिसे वेद स्वीकार करे वही धर्म है। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज इस पे ज्यादा हम कहना नहीं चाहते कुछ भी, बस इतना ही कहेंगे कि आप सावधानी रखें, जब भी किसी संत महात्मा को देखें दूर से प्रणाम करें, स्पर्श न करें। मैं तो कहूंगा किसी का भी स्पर्श न कीजिए, दूर से ही प्रणाम कीजिए। क्या जाएगा दूर से? आशीर्वाद तो दूर से मिल ही जाएगा ना, आशीर्वाद ही तो चाहिए संतों का। दूर से प्रणाम करो। अभी हम आ रहे थे, एक मानवा पीछे से पाम पकड़ के हमको छू रहे थे, हम आगे आ रहे हैं वो पीछे से छू रहे हैं। अरे हम, तुम पीछे से छू रहे हो, इतना सोचो कोई गिर गया तो कथाई करने लायक ना रहे, पीछे से पकड़ोगे तो मुंह के बल ही गिरेंगे। आप हंस रहे हो, तुम्हारा कोई पैर पकड़े पीछे से फिर तब हंसोगे। हमसे रोज यही समस्या होती, हम कहते पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना, लोग कहते पैर छुएंगे नहीं, पैर खींचेंगे आप। हम छू कहां रहे हैं, हम तो खींच रहे हैं। मैं तो स्वयं आपसे कहता हूं, कभी भी किसी भी संत महात्मा कथाकार के पैर मत छुओ, दूर से प्रणाम करो, आशीर्वाद मिल जाएगा।